हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। कार्तिक मास 2 नवंबर 2021 मंगल प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त पूजा विधि आज जरूर करें ये एक काम। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में दो बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी शाम के समय करने की मान्यता है। चतुर्मास में आने वाला प्रदोष व्रत बेहद महत्व रखता है। यदि त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़े तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव व हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको साल 2021 कार्तिक मास के पहले भौम प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे। कार्तिक प्रदोष व्रत तिथि शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में कार्तिक माह कृष्ण प्रदोष व्रत 2 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:35 से 8:11 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी। कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर प्रातःकाल 11:31 पर। कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर प्रातःकाल 9:02 पर। मंगल भौम प्रदोष पूजा विधि चतुर्मास के 4 महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। भौम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें और प्रातः काल की विधिवत पूजा करें। प्रदोष व्रत की पूजा विशेषकर प्रदोष काल में ही की जाती है, इसीलिए प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर पूजा प्रारंभ करें। पहले पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन ग्रहण करें, फिर शिव प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित कर गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में महादेव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, चंदन, फल, फूल, अक्षत, धूप दीप चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंगल प्रदोष है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी का पूजन करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष व्रत उपाय शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में आने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ व लाभकारी माना जाता है। भौम या मंगल प्रदोष भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी को प्रसन्न करने और साथ ही यह व्रत कर्ज से मुक्ति के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण प्रदोष भौम प्रदोष होगा, इसीलिए इस दिन आपको व्रत उपवास और कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर सभी पूजन सामग्री और बेलपत्र उन्हें अर्पित करें। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे विशेष फल प्राप्त होते हैं। मंगल प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर उनका पूजन करें, इससे आपको आर्थिक लाभ और कर्ज से छुटकारा मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।